अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है नॉवेल बानो, इसकी मुसन्निफा है रजिया भट्ट। इसे आपके लिए पढ़ा है अदनान रऊफ राजपूत ने। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से की जा रही है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, शुक्रिया। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें हमें और अपनी कीमती आरा से आगाह करें, बहुत शुक्रिया। कराची से आने वाली एक्सप्रेस पौन घंटा लेट थी, इसे खासी झुंझलाट हुई। अम्मा ने भी तो घर से इतनी देर पहले निकाल दिया था। सुल्ताना मोमानी जो आ रही थी, अम्मा बड़े जज्बाती हो रही थी। सारा घर, बरकते और इसकी बहू ताजा से उलट उलट करवाया था। हर कोने खदरे की सफाई हुई थी, अलमारियों में रखे हुए बर्तन धुलवाए गए थे। दो कमरे मेहमानों के लिए मखसूस हुए थे, एक में नासिर और राशिद के लिए बिस्तर लगवाए थे, दूसरे में राबिया और मोमानी के लिए नई रजाइयां जिन्हें अम्मा खास खास मौकों पर ही निकाला करती थी, इनके लिए निकलवाई गई। जरूरत और आराम की हर चीज अम्मा ने जैसे बन पड़ा मुहैया की। खाने का कमरा खुलवा कर साफ करवाया और बरकते को खास हिदायत दी गई कि जितने दिन मेहमान ठहरेंगे, खाना चाय बावर्ची खाने में नहीं, खाने के कमरे में लगाया जाएगा। वो माँ बेटा तो बावर्ची खाने में ही खा पी लिया करते थे, लेकिन सुल्ताना मोमानी और उनके बच्चों के एजाज में खाना पीना ड्राइंग रूम में ही होने का एहतमाम हुआ था। इन सब तैयारियों के बावजूद अम्मा के आसाब पर कुछ घबराहट सी मुसल्लत थी। सुल्ताना मोमानी पिछले साल भी आई थी, लेकिन इन दिनों शायद अम्मा को इनकी माली हैसियत का पूरे तौर पर अंदाजा ना हुआ था। जिस घबराहट और बेचैनी से एहतमाम अब के कर रही थी, उस दफा ना किया था। मोमानी का बिस्तर अम्मा के कमरे में ही लगवाया गया था और वो अम्मा के साथ बावर्ची खाने में ही बैठ कर खा पी लेती थी, लेकिन गर्मियों में अम्मा कराची हो आई थी, इनका घर बार रहन सहन देख आई थी। बेचारी जैसे एहसास कमतरी में मुबतला थी, इसलिए तो इनकी तैयारी के बावजूद तसल्ली ना हो रही थी। हसन के लबों पर मुस्कुराहट सी फैल गई, वो अम्मा की सादगी पर मुस्कुरा रहा था। इससे बरसों पहले की सुल्ताना मोमानी याद आ रही थी, इन दिनों इन्हें सब सल्लू कहते थे। सल्लू मोमानी रहती तो जालंधर थी, लेकिन खुशी गमी के मौके पर लुधियाना आती रहती थी। उड़ी उड़ी रंगत वाला काला बुरखा, इससे अब भी याद है। गर्मियों में छींट के कपड़े और सर्दियों में फलालीन के काले छापे की चादर किस कदर बंदे बाल और सफेद रंगत के बावजूद छाइयों और महासों से धुंधला चेहरा। वो कई बार जालंधर भी इनके यहाँ गया था। छोटी छोटी वो कोठियों के सामने सब इसके जहन में महफूज थे। एक लंबे दलान वाला घर जिसमें दिन के वक्त भी तारीकी का तसल्लुत होता, इन्हीं का था। मट्टी के चूल्हे के सामने मोमानी पेड़े पर बैठकर कभी सिल्वर की देगची में चाय बनाती होती और कभी काली सी मट्टी की हंडिया से इससे तांबे के बेकली से कटोरों में सालन उंडेला करती। सल्लू मोमानी की माली हालत इन दिनों अच्छी ना थी, दुकान से भी कोई खास आमदनी ना थी। इसके बावजूद इन्होंने अपने ब्याह का थोड़ा बहुत जेवर बेचकर ये मकान खरीद लिया था। महाना किराए से बचत हो गई थी। इस तारीख और छोटे से मकान के साथ हसन के दिमाग में 16 किनाल की कोठी का नक्शा जो अम्मा ने अस पर कर रखा था, इसे उठते बैठते बतलाती रहती थी। घूम गया, सल्लू मोमानी अब सुल्ताना मोमानी थी। अम्मा बेचारी का क्या कसूर, मोमानी में फर्क भी तो जमीन और आसमान का आ गया था। पिछले साल भी वो इन्हें स्टेशन पर लेने आया था, इसे इनके होंठ और नाक के दरमियान वाला काला मस्सा याद ना होता तो शायद वो इन्हें पहचान ही ना सकता। मोमानी तो एकदम स्मार्ट सी बेगम साहिबा लग रही थी, चेहरे की रंगत दमक रही थी, छाइयों और महासों के दाग धब्बे बड़े गैर वाजे से थे, बाल डीले से जूड़े की शक्ल में नफासे से बंधे थे। बुरका नाम की कोई शय इनके साथ ना थी, पतला सा दुपट्टा कंधों पर पड़ा था, हाथ में बड़ा सा बटवा झूल रहा था और सबसे बड़ी तब्दीली जो हसन ने महसूस की थी, इनकी खुश कलामी थी।
बात बात पर कहके लगाती थी। असाबी झुंझलाट नाम को न थी जिससे इनके चेहरे पर हर वक्त तनाव सा रहता था। सोच के धारे हसन को कहीं से कहीं ले जा रहे थे। इसे वो वक्त याद आ रहा था जब पाकिस्तान बनने पर सल्लू मोमानी, रहीम मामू और इनके तीन बच्चे यहाँ आए थे। इनके पास सिर्फ दो पोटलियां थी। हालत ऐसी खस्ता थी कि गधा घरों का गुमान होता था। वो डेढ़ दो माह इनके यहाँ रहे, कुछ ज्यादा यादें तो इसके जहन में ना थी। इन दिनों तो उसे अपना भी होश ना था। दीवानों की तरह वाल्टन कैब वाघा और लाहौर रेलवे स्टेशन की खाक छान रहा था। वो बानो को तलाश करता फिर रहा था। तलाजम ख्याल से सल्लू मेवानी से बानो की तरफ ले गया। इसके सीने से एक दर्दीली आह निकली, आंखों में जलन सी होने लगी और दम यूं घुटने लगा जैसे वो कड़वे कसीले धुएं से भरे किसी बंद कमरे में खड़ा हो। ये ख्याल जहन से हटाने को उसने सर झटका दिया, घड़ी पर निगाह डाली, हनूस 20 मिनट बाकी थे। तवज्जा हटने के बजाय जहन पर माजी के अंगारों की अलगार होने लगी। कई वाकयात नजरों में घूम गए, इसकी तबीयत खराब होने लगी। जी चाह घर लौट जाए लेकिन ये भी मुमकिन ना था। वो बेचैनी से प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। इसके रुवे रुवे से बानो की पुकार उठने लगी। इसने माजी की तरफ पलट कर देखने से हमेशा ग्रेस किया था। ला हासिल और बेसुधी तो था पलट कर देखना। बानो को शहीद हुए 5 साल गुजर चुके थे। इसे वक्त पर इख्तियार नहीं था। गुजरते वक्त के पांव की जंजीरें बन सकता था, ना गुजरे लम्हों को लौटाने का मजाज था, फिर इन्हीं लम्हों से निपट कर तड़पने का फायदा। दीवानगी के दौरे गम का खुला इजहार करते थे। अब बानो सिर्फ याद थी, तसव्वुर था और बस। इसने जिंदगी से समझौता कर लिया था लेकिन इस समझौते के बावजूद इसने बानो की याद और तसव्वुर से गद्दारी नहीं की थी। इस याद का तकद्दुस और इस तस्वीर की पाकिजगी थी जो वो अपनी भरपूर जवानी के तकाजों को नजरअंदाज किए जा रहा था और अपनी माँ के इसरार के बावजूद इस बंधन में बंधे से इनकार था जिसे शादी का नाम दिया जाता था। अम्मा थक चुकी थी, बहू लाना इनकी ख्वाहिश ही नहीं जरूरत भी थी। बेवगी से टूटे कंधों पर एक मुद्दत से जो बार उठाए चले आ रही हैं, अब उठाने की हिम्मत ना रही थी। हसन जानता था अम्मा की थकन का भी इसे एहसास था और खुद इसकी फितरी ख्वाहिशें भी मचली जाया करती थी लेकिन वो बेबस था। जब भी सिलसिले में कभी अमली कदम उठाने का सोचा, बानो ने दरमियान में आकर सिलसिला धर्म भरम कर दिया। हसन सोचों में गुम प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। गाड़ी पहुंचने के ऐलान से सोचों का राबता टूट गया। कराची से आकर रावलपिंडी और पिशावर जाने वाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर 7:12 पर पहुंच रही है। लाउड स्पीकर पर ऐलान मुतअद्दिद बार गूंजा। हसन ने कोट की आस्तीन खींचकर घड़ी पर नगाह डाली, 7:05 हो चुके थे। 5-7 मिनट में गाड़ी आया ही चाहती थी। स्टेशन पर हलचल सी मच गई, मुसाफिर अपना सामान दुरुस्त करने लगे, कुली इधर से उधर भागने लगे। कोई पगड़ी सर पर ठीक तरह से जमा कर सामान उठाने को तैयार हो रहा था और कोई दौड़कर अपनी जगह ले रहा था ताकि गाड़ी से उतरने वाले मुसाफिरों पर झपटा जा सके। बच्चे बड़े सभी हरकत में थे, माएं बच्चों का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई थी, कोई किसी को आवाजें दे रहा था। ठेले वाले सामान लादने को प्लेटफॉर्म पर ला रहे थे, रेलवे का अमला भी हरकत में था, रेडियो और खुआंचे वालों ने हलचल मचा रखी थी, अखबार फरोश अखबार और रिसालों का बंडल उठाए गाड़ी के आने से पहले चाको चौबंद नजर आ रहे थे। एक अफर तफरी मची थी। हसन का ख्याल कुछ हट गया, इसने तो मेहमानों का इस्तकबाल ही करना था, इसलिए सीढ़ियों की रेलिंग के करीब खड़े होकर इत्मीनान से सिगरेट की कश लेते हुए स्टेशन की गहमा गहमी को देखने लगा। लोगों की घबराहट से महफूज भी हो रहा था। सब जानते थे कि लाहौर गाड़ी कम से कम आधा घंटा रुकेगी लेकिन इस हकीकत के बावजूद यही होता है कि गाड़ी स्टेशन पर पूरी तरह रुकने से पहले ही मुसाफिर पल पड़ते हैं। अब अंदर से बाहर आने वाले जोर लगा रहे हैं और बाहर से अंदर जाने वाले, इसी वजह से आपस में तल्ख कलामी भी हो रही है और वक्त का ज़िया भी। खुदा जाने इस कौम को वक्त की कदर कीमत का कब एहसास होगा, हसन ने पांव से सिगरेट मसल कर बुझाते हुए सोचा। साहब वक्त क्या हुआ है, किसी देहाती ने इसे पूछा। 7:10 हो चुके हैं, हसन ने शाइस्तगी से जवाब दिया। एक्सप्रेस आ रही है ना, देहाती ने गठरी कंधे से उतारते हुए कहा। हाँ बस 2 मिनट में पहुंच रही है, आपको कहाँ जाना है, हसन ने इजराए इखलाक पूछा। जहलम, इसने जवाब दिया। दूर से गाड़ी का इंजन धुआं उड़ाता नजर आया, हलचल अफरा तफरी बन गई। हसन भी चंद कदम बढ़ा, जरा आगे आ गया। इसके मेहमान आ रहे थे, मेहमानों में जाने क्यों सबसे पहले से राबिये का ख्याल आया। इस ख्याल के साथ ही इसे 8-10 साल की वो लड़की याद आ गई जो जलंधर से सल्लू मोमानी के साथ आया करती थी। मोटी सी सख्त गुंदी हुई एक चुटिया
छिपकली की दुम की तरह इसके कुर्ते पर पड़ी रहती थी। गोरी रंगत वाली लड़की शायद दायमी जुकाम की मरीज थी। हसन को इसकी नाक हमेशा बहती दिखाई देती थी। इसके बगल में उमानी का छोटा सा बच्चा हमेशा होता, जिसे बमुश्किल कूल्हे पर संभाले हुए वो घर में घूमती फिरती थी। इसकी चोटी खींचकर हसन को बड़ा मजा आता था। यही लड़की इसने 14-15 बरस की उम्र में इस वक्त देखी जब वो पाकिस्तान आई। हसन को इस वक्त कुछ इतना ही एहसास था कि अब इसकी नाक नहीं बहती और ना ही कूल्हे पर आशीष चढ़ा रहता। हाँ, इतना याद था कि ये लड़की जितने दिन भी इनके हाँ रही, टखनों से ऊपर शलवार किए फर्श धोती रहती, कपड़े धो धो कर सहन में बंदी रस्सियों पर डाला करती। अब खुदा जाने वो कैसी होगी। हसन के जहन में कुंदा सा लपका, लेकिन अपने इस ख्याल पर अपने आप को खुद ही मलामत करने लगा, जैसी भी होगी उससे क्या। गाड़ी अब प्लेटफॉर्म पर रिंगती चली आ रही थी। शोरगुल धूप में एकदम इजाफा हो गया। हसन ने खिसकने वाले डब्बों पर निगाहें दौड़ाई और फिर लंबी सी गाड़ी के पीछे डब्बों की तरफ मुंह मोड़ दिया। दूर एक कंपार्टमेंट में से इसे सुल्ताना मुमानी का चेहरा नजर आया। वो शायद इसे देख रही थी। हाथ हवा में लहराते हुए इसने अपनी आंख से सुल्ताना मुमानी को मुतला किया। गाड़ी रुक गई थी। पल पड़ने वाली भीड़ को चीरता हसन फर्स्ट क्लास के स्टब्बे की तरफ लपका, जिसकी खिड़की से सर निकाले सुल्ताना मुमानी मुस्कुरा रही थी। हसन ने मौतबाना सलाम किया। मुमानी ने खिड़की से हाथ निकालकर इसके सर पर फेरा, जीते रहो उम्र दराज, गाड़ी लेट हो गई, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, कही सफर अच्छी तरह कट गया। बिल्कुल बिल्कुल, उमानी खिड़की से हटते हुए बोली। कुली, हसन ने करीब खड़े कुली को इशारा किया जो पहले ही अंदर जाने को परतोल रहा था। इस डब्बे के सामने भीड़ ना थी, सिर्फ इन्हें ही उतरना था। हसन कुली के साथ खुद भी कंपार्टमेंट दाखिल हो गया। नासिर राशिद साथ वाले डब्बे में थे। मुमानी भी मुसाफिरों की घबराहट में मुब्तला थी। हम आ गए अम्मी, खिड़की से नासिर ने झांका। बिस्तर उतरवा लिया, मुमानी ने पूछा। जी, मुमानी इत्मीनान से हसन की तरफ पलटी। जो एक कटे बालों वाली जवान लड़की को सीट पर झुके रिसाले उठाते देख रहा था। कटे बाल, सफेद गर्दन, धूप छांव के इंतजाज दिखाई दे रहा था। मुमानी अम्मा का हाल पूछते अपने सफर की सरगर्दश सुनाते सामान उतरवाने लगे। ये बैग मुझे दो राबिया, मुमानी ने खूबसूरत बैग की तरफ इशारा किया। राबिया ने बैग उठाया और पलट कर माँ के हाथ में दे दिया। उसकी नजरें हसन की जामसी नजरों से मिली, पलके लज्जी और झुक गई, गालों पर शहाबी रंग दौड़ गया। हसन को वो पहले प्लेटफॉर्म पर देख चुकी थी। पहली नजर में ये तस्वीर इस चौक टेप पे फिक्स हो गई थी जो कितनी मुद्दत से वजूद में आने के बावजूद खाली पड़ा था। अब हसन से नजर मिली तो घबराहट सी महसूस हुई, इस लड़के की घबराहट का दिल का राज अफशा ना हो जाए। कुली ने सारा सामान उतार लिया। राबिया ने अपने रिसाले उठाए, सुल्ताना मुमानी ने बैग संभाला। चलो, हसन खुद फरामोशी के आलम में खड़ा था। मुमानी की आवाज पर चौंका। चलिए, हसन इस तरह खड़े खड़े कहा। राबिया माँ के पीछे साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं की तफसीर बनी खड़ी रही। मुमानी अपने सफर की सरगजश सुनाते हुए कंपार्टमेंट से बाहर आ गई। इनके पीछे एक अदाए दिल रुबाई से कतराती राबिया। हसन दोनों के बाहर आने के बाद बुखलाया सा बाहर आया। राबिया को तो देखकर वो कुछ खौफ सदा सा हो गया। राबिया ने इस तरफ देखा भी तो कुछ इस तरह कि इसकी जवानी का हिसार लरस गया था। बड़ी सड़क से दाएं हाथ पीछे उतरकर चंद फरलांग सीधा जाकर पहले घुमाओं पर वो चौड़ी गली थी जिसमें हसन का मकान था। पक्की लाल ईंटों वाली कुशादा गली साफ सुथरी भी थी। तकसीम मुल्क से पहले यहाँ हिंदू आबादी थी, अक्सर मकान कोठी नुमा बने थे। अब यहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हिजरत करके आए हुए मुसलमान खानदान आबाद थे। कुछ मुकामी लोगों ने भी हालात की धक्कम पेल से फायदा उठाया था और इन मकानों पर कब्जा कर लिया था। महाजर खानदानों में कई ऐसे भी थे जो बड़ी खूबसूरत हवेलियां छोड़कर आए थे और अब 10-10 15-15 मरले के मकानों में मुकीम होकर अल्लाह का शुक्र गुजारते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो झोंपड़ियों में रहते थे, पछताते थे कि कब्जा ही करना था तो किसी साहूकार किसी सेठ की भरी भराई कोठी पर किया होता। हसन तकसीम मुल्क से कबल ही यहाँ था। चंद माह पहले अम्मा को भी लुधियाना से ले आया था। फसादात की आग मुकम्मल तौर पर भड़की हुई थी जब वो पिंडी से लाहौर तबील हुआ था। अम्मा अपनी जायदाद के कागजात ले आई थी। हसन को तो इन दिनों किसी बात का होश न था। हमीद ही ने दौड़ धूप करके यह मकान इन्हें दिलवाया था। वो यह मकान इतनी मालियत का नहीं था जितनी मालियत के कागजात है, फिर भी गनीमत समझकर अम्मा चुप हो रही थी। इस मकान से सामान भी बरामद हुआ। अम्मा ने अपनी जरूरत का सामान रखकर बाकी बरकतें और इसी तरह की एक गुरदासपुर की एक ऐसी महाजर औरत को दे दिया था
जो अपना पूरा खानदान पाकिस्तान के नाम पर कटवा आई थी। हसन और अम्मा की जरूरत के लिए यह मकान काफी से ज्यादा था। पत्थर की सीनों वाला खुला सहन, 6 कुशादा कमरे, निचली मंजिल और एक ऊपर वाली मंजिल भी था। बावर्ची खाना खासा बड़ा था, 7 गोदाम भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि मकान के साथ गैराज भी था। ड्योढ़ी में दाखिल होते हुए दाएं हाथ पर बहुत बड़ी बैठक और बाएं हाथ वाली जगह पर गैराज बना हुआ था, जिसमें पहले टूटे फूटे सामान के अलावा हसन मोटरसाइकिल रखा करता था, लेकिन अब गाड़ी खरीदने लेने के बाद इसे साफ करवा के पूरी तरह इस्तेमाल में लाया गया था। सहन में सामने वाले कमरों के आगे लंबा बरामदा था, जिसमें जगह जगह फूलों के गमले पड़े हुए थे। अम्मा को फूलों से बड़ा लगाव था। इन गमलों की देखभाल बड़ी प्रीत से क्या करती। मेहमानों के सामान बरकते इसके बेटे गामी और बहू ताजा ने मिलकर इनके कमरों में पहुंचा दिया। अम्मा दरवाजों में खड़ी मेहमानों की राह देख रही थी। सुल्ताना मुमानी से इस्तफाक से गले मिली कि सबके चेहरे मुस्कुरा उठे। नासिर राशिद को प्यार किया, लेकिन राबिया को तो यूं सीने से चिमटाया जैसे अब अलग करेंगे ही नहीं। सर चूमा और बार बार चूमा। अम्मा के वालाना प्यार ने खौफ की गैर महसूस सी कपकपी हसन पर तारी कर दी। चाय का पानी तैयार था। बरकतें फौरन चाय तैयार करके ले आई। मेहमान ड्राइंग रूम में थे। अम्मा और सुल्ताना मुमानी जमाने भर की बातें कर रही थी। नासिर और राशिद भी हसन से खूब घुल मिलकर अपने सफर का हाल सुना रहे थे। राबिया थी जो चुपचाप अम्मा के दाएं हाथ बैठी थी, कभी उंगलियां मसलने लगती, कभी गिर्दो पेश निगाहें दौड़ाती। हसन नासिर और राशिद से बातें करते हुए भी राबिया की हरकत से आगाह था। यही आगाही इसकी झुंझुलाहट का बाइस बन रही थी। रहीम भी आ जाता तो कितनी खुशी होती। अम्मा ने भी भाई को याद करते हुए कहा, तौबा आपा, इन्हें फुर्सत कहां। सुल्ताना मुमानी ने हंसकर कहा, आजकल तो मसरूफियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों, कपड़े की फैक्ट्री लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्ताना मुमानी के लहजे में फकर का आंसर नुमाया था। बरकत ने चाय दरमियानी मेज पर लाकर रख दी थी। चाय बनाओ बेटी, सुल्ताना मुमानी ने राबिया से कहा। मैं बना देती हूँ, अम्मा ने इनकसार से कहा। इतने लंबे सफर से आई हो, थकी होगी मेरी बच्ची। थकना कैसे फुप्पो जान, सारा रास्ता बाजी लेटी आई है। राशिद ने अपनी हाकी। राबिया ने भाई को प्यार से घूरा, मैं चाय बनाती हूँ फुप्पो जान, आप रहने दे। राबिया ने शाइस्तगी से कहा और मेज खिसका कर अपने सामने कर। इस आवाज की नकरी खनक का एहसास न चाहने के बावजूद हसन को होने लगा। भाईजान आप कभी कराची आते ही नहीं, नासिर ने शाकी लहजे में कहा। बेकार आदमी थोड़े ही हूँ, हसन ने शकुफ्तगी से जवाब दिया। बेकार तो हम हुए, सुल्ताना मुमानी ने कहका लगाया। क्यों हसन बेटे। जी जी, हसन भी हंस दिया, मैं नासिर से मजाक कर रहा था। राबिया ने चाय बनाकर अम्मी और पप्पू को पेश की। मैं भी ले लूंगी, पहले नासिर को राशिद को ले लेंगे आप। सुल्ताना ने बेतकल्लुफी से कहा, आप तकल्लुफ ना करें, अपना घर है, कोई मेहमान तो नहीं। अम्मा और सुल्ताना बातें कर रहे। राबिया ने चाय की प्याली हसन की तरफ बढ़ाई। हसन ने कदरे उठते हुए प्याली थाम ली। राबिया का हाथ लरज गया। हसन को उलझन सी होने लगी। चाय खामोशी से हलक में उंडेल कर हसन सुल्ताना मुमानी की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो अपने जहन को इस तरफ से हटाना चाहता था जिस तरह वो अड़ियल घोड़े की तरह बिदक बिदक कर जा रहा था। सुल्ताना मुमानी से बातें करते हुए भी तवज्जा राबिया की तरफ मबजूल हो रही थी। राबिया झिझक झिझक कर अम्मा से बातें कर रही थी। वाम खास सुर्ख हो रही थी, उसकी पलकें लरस लरस कर गालों पर साए फैला रही थी। ये ऐसे वार थे जैसे हसन अपने आप को बचाना चाहता था। शायद इसलिए वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। अपने कमरे में आकर वो इस तरह पलंग पर चित लेट गया। इस पर कुछ घबराहट सी मुसल्लत थी, कुछ खौफ का एहसास था। इस नहत्ते मुसाफिर की तरह जो अपनी सीधी राह जाते जाते अचानक लुटेरों में घिर गया हो और अब लुट जाने का डर ही नहीं पूरा यकीन हो गया हो। इसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। वो क्यों राबिया के मुतालिक सोच रहा था। लड़की ही तो थी, मामूली शक्ल सूरत की लड़की, कोई मैं लकाक थी ना हूर। इसने अपने दिल को एक अतालीक की तरह समझाया और फिर कुव्वत मदाफत से राबिया का सामना करने का अहद कर लिया। खाना कमरे में लग गया था। हसन के सिवा सभी मेज के गिर्द बैठे थे। हसन कहाँ है, सुल्ताना ने अपने सामने प्लेट रखते हुए पूछा। यही कहीं होगा। बरकते जा हसन को बुला ला, सब खाने पर इसका इंतजार कर रहे हैं। अम्मा ने पास खड़ी बरकते से कहा, अपने कमरे में होगा। नहीं जी, बाहर बरामदे में खड़े हैं। ताजा गरम गरम चावलों की डिश लेकर अंदर आते हुए बोली।
बरामदे में क्या हो रहा है, इसे बुलाओ, खाना ठंडा हो रहा है। अम्मा ने इसके हाथ से डिश लेकर मेज रखते हुए कहा। जी सिगरेट पी रहे हैं, ताजा ने वापिस मुड़ते हुए कहा। अम्मा एक तफाखिर से मुस्कुराई, मेरे सामने सिगरेट नहीं पीता, जब जरूरत पड़े तो उठकर बाहर चले जाता है। माशाल्लाह, सुल्ताना ने जी खोल कर दाद दी। ऐसा फरमाबरदार बेटा आपा आपकी खुशनसीबी है, वरना आजकल के दौर में ये जज्बा बच्चों की सरसत से ही खारिज होता जा रहा है। नासिर राशिद और राबिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। हाँ सुल्ताना, मैं तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि बड़ा ही सादतमंद बच्चा है। पिछले दिनों गाड़ी के लिए तुम्हें क्या बताऊं, इसने किस किस तरह मेरी रजामंदी चाही, लेकिन आफरीन है उस वक्त तक सौदा नहीं किया जब तक मैंने हामी ने भरी। हालांकि पैसा इसके पास था, अपनी कमाई थी, जो चीज में आता करता। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुल्ताना ने अपने दोनों बच्चों की तरफ देखकर कहा। सुन लो बच्चों, देखा ना कितने बड़े हैं तुम्हारे भाईजान, इंजीनियर बन चुके हैं, अपने पांव पर खड़े हो गए हैं, और फिर भी कितने फरमाबरदार हैं अपनी अम्मा के। अम्मी, मैं भी जब इंजीनियर बनूंगा तो भाईजान की तरह आपका फरमाबरदार बेटा बनूंगा, राशिद ने बड़े जज्बे से कहा। सब इसकी मासूमियत पर हंस पड़े। इंजीनियर बनने से पहले फरमाबरदारी की शर्त नहीं है क्या, राबिया ने इसका कान ऐंठा। नहीं बाजी, मेरा मतलब ये तो नहीं था। क्या था मतलब फिर, कान छोड़िए फिर बताऊंगा। सब हंस पड़े, मुमानी के कह के शुगफ्ता थे, लेकिन बरामदे में खड़े हसन को कुछ नक रही। घंटियों की खनक मुमानी की कहकों से ज्यादा सुनाई दे रही थी। यकीनन ये राबिया की खूबसूरत और जानदार हंसी थी। हसन बरामदे में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था, एक नहीं चार सिगरेट खड़े खड़े खत्म कर डाले थे। वो अम्मा के सामने सिगरेट पीने का आदि नहीं था, लेकिन इस वक्त वो अम्मा के सामने से नहीं राबिया के सामने से कतराने को यहाँ खड़ा था। ताजा बावर्ची खाने से ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम से बावर्ची खाने तक आ जा रही थी। खाने का आज खास एहतमाम हुआ था, पुलाव, मुर्ग, शामी कबाब, गोश्त और मीठा। अम्मा ने ये सब चीजें अपने हाथ से पकाई थी। हसन बड़े इन्हिमाक से ताजा को आते जाते देख रहा था, लेकिन इसका जाहिरी इन्हिमाक इसकी बातनी कैफियत से तजाद रखता था। बातनी सोच के तसलसल के लिए खारजी अंसर पर हवा से खमसा को मरकूज करना ही पड़ता है, वो भी खारजी अवामिल के हीले। दाखिली कैफियत के जीरो बम को देख रहा था। राबिया की जानदार हंसी के दिलरुबा बालूच का एतराफ इसकी जहनी चोरी थी, इसलिए वो ड्राइंग रूम में जाने से कुछ कतरा रहा था, लेकिन ताबा के इसे अंदर जाना ही था। एक बार फिर इस अजम में इसने हिम्मत का शरारा भरा जो कुछ देर पहले अपने बिस्तर पर लेटे लेटे किया था। ताजा के मुखातिब करने से पहले इसने आधा जला सिगरेट फर्श पर फेंक कर बूट से मसल दिया। तुम जाओ, मैं आता हूं, कहते हुए एक वकार से चलता खाने के कमरे में आ गया। सुल्ताना मुमानी के दाएं हाथ खाली कुर्सी पर बैठे हुए आवाज में साख्ता पुरतमाद पैदा किया। बिस्मिल्लाह कीजिए। आपा, आप ले पहले। नहीं, तुम लो सुल्ताना, तकल्लुफात में खाना ठंडा हो जाएगा। मुमानी, आप शुरू कीजिए। हसन ने चावलों की डिश मुमानी की तरफ बढ़ा दी। नासिर और राशिद की भूख खूब चमक रही थी। जब डिश अम्मा और राबिया के बाद इनके सामने आई तो वो बेसब्री से पल पड़े। हसन मुस्कुराने लगा। राबिया नीची नजरों से भाइयों को घूर रही थी। हसन का जी चाह राबिया से बेतकल्लुफी से बात करे, लेकिन बात तो ये थी कि कोई बात ही जहन में नहीं आ रही थी। खाना, मुमानी के दिल नशी बातों, राशिद की मासूम हिमाकतों, नासिर के मजाया चिटकिलों और राबिया की पुरसरार खामोशियों के दरमियान खासा पुरलुत्फ रहा। हसन के जहन पर छाया व खौफ भी किसी हद तक जायल हो। भाईजान, राशिद ने खीर चम्मच से प्लेट में डालते हुए कहा। हसन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कितनी फिल्में दिखाएंगे हमें, वो जल्दी से बोला। ओहो, फिल्मों के बड़े शौकीन है जनाब, हसन ने कहा। राबिया ने इसे घूरा और नासिर ने इसे टहुका दिया। सुल्ताना प्यार से इसे देखकर बोली, और तो कोई बात इसे आती नहीं, वो कुछ खिसियाना सा हो गया। अम्मा ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। जितनी फिल्में मेरा बेटा चाहेगा दिखा देंगे। अच्छा भाई, आपकी फरमाइश नोट हो गई, हसन ने दिल खुश दिली से कहा। अम्मा ने आपकी सिफारिश कर दी। फिर वो नासिर की तरफ देखकर मुस्कुराया। आपकी फरमाइश, पूरा लाहौर घूमेंगे, बादशाही मस्जिद, शाही किला, जहांगीर का मकबरा, बस बस हो गई नोट आपकी फरमाइश भी। दोनों भाई खुशी से उछलने लगे। हसन ने इसी मूड में राबिया की तरफ देखा। आप भी अपनी फरमाइश नोट करवा दें। राबिया का चेहरा कानों की लोह तक सुर्ख हो गया। सुल्ताना और अम्मा अपनी ही किसी बात में मगन थी, इसकी तरफ किसी ने देखा ही नहीं। वो बड़े बड़े राज सतह पर आए हुए थे। भाजी, आप भी बताएं ना,
राशिद ने कहा, हाँ बाजी पूरा प्रोग्राम बना लें, भाईजान को सहूलत रहेगी। नासिर बोला, मुझे सहूलत ही सहूलत है। हसन ने बेतुका सा जवाब दिया। राबिया कुछ नहीं बोली, सुर्ख सुर्ख गालों पर पलकों के साए लरसते रहे। हमारे तो कान खा जाती है, नासिर ने बड़े बुजुर्गाना अंदाज में कहा, आपसे शर्मा रही है भाईजान। नासिर राबिया को नासिर की सादा सी बात पर सा गया। हसन राबिया की इस अदा से मसूर होने के बजाय झुंझला गया। मैंने क्या कहा है बाजी, आप तो यूं ही बिगड़ रही है, नासिर ने वो बनाया। राबिया ने खाने से हाथ खींच लिया। क्या हुआ? सुल्ताना ने दोनों बहन भाइयों को यूं मुंह बनाते हुए देखकर पूछा। कुछ नहीं अम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, नासिर ने सादगी से कहा। आ गए अपने लचनों पर, सुल्ताना ने प्यार से डांटा। इन दोनों की तो एक मिनट नहीं बनती। ऊपर तले के जो है, अम्मा ने हंस हंस कर कहा। इस रात हसन कितनी देर जागता रहा, जिस तरफ करवट बदलता राबिया का हैवला दिखाई देता, आंखें बंद करता तो राबिया का एहसास होता। इसे सख्त झुंझलाट हो रही थी। ऐसी भी क्या कमजोरी, लड़की ना हुई कयामत हो गई। ये नदीदापन 29 साल नौजवान को जेब नहीं देता। इसने ख्याल हटाने को कितनी देर रेडियो चालू रखा, जाने किस देश की धुन बजती रही। किताबों का सहारा लिया, लेकिन तबीयत अचाट हो गई। मुस्तरब होकर कमरे में टहलता रहा। इसे क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, सब जानते हुए भी अनजान बनकर अपने आप से सवाल कर रहा था। टहलते टहलते अलमारी के करीब रुक गया। पट में लगे लंबूतरे आईने में इसने अपना सरापा देखा। नीले शबे ख्वाबी के लिबास में बिखरे बालों और सुर्ख आंखों के बावजूद वो बड़ा वजी लग रहा था। जवानी का निखार इसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहा था। इसने आईने में गौर से अपनी खूबसूरत और झील से ठहराव वाली आंखों में झांका। वो इन आंखों को देखता रहा, गौर से देखता रहा। मान उसे यूं महसूस हुआ जैसे इन आंखों में वो हसन बेदार हो रहा है जो जवान मर्द है, जिसकी कुछ फितरी तकाजे हैं, जिसकी कुछ जिस्मानी जरूरतें हैं। घबरा कर इसने मुंह मोड़ लिया। नहीं नहीं, वो हसन बानो के साथ ही मर चुका था। इन फितरी तकाजों को, इन जिस्मानी जरूरतों को उसने कफन दिया था। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, बेबस होकर इसने चेहरा हाथों पर कर लिया। बानो बानो बानो, उस रात इसने शिद्दत के साथ बानो को देखा। अपनी आरजू ख्वाहिशों चाहतों के चेहरे के सर कते कफन दुरुस्त करता रहा। इसने नए सिरे से अपने अरमानों की कब्रें खोदी। वो इन्हें इतना गहरा दफन करना चाहता था कि फिर कभी किसी ही तहरीक क्यों ना मिले या अरमान उठ ना सके, लेकिन ये इसकी भूल थी। बानो इसका इश्क जरूर था, लेकिन कजा के हाथों 5 साल पहले फना हो चुकी थी। 5 साल हो चुके थे, हसन अब भी अपनी इश्क की बुलंदी पर था। यह अखबस्ता मौत से मोहब्बत किए जा रहा था, अपने अहद निभा रहा था। बानो की जात को इसने अपने आप पर कुछ इस तरह मुसल्लत कर रखा था कि मौत और जिंदगी के फासले बेमायने होकर रह गए थे। वो पतंग था और बानो डोर, पतंग और डोर का तवासली साथ था। लेकिन कभी कभी यूं होता था कि डोर कट जाती है। जब डोर कट जाती है तो सभी जानते हैं कि पतंग का तवाजुन बिगड़ जाता है। वही फिजा, वही बुलंदी, वही हवा होती है, लेकिन पतंग डोलती चली जाती है, डोलती चली जाती है और बिला आखिर किसी छत पर गिर जाती है, किसी खंभे से उलझ जाती है, किसी हाथ में पड़ जाती है। हसन पतंग था और बानो डोर। हालात के वार से डोर कट चुकी थी, पतंग डानो डोल थी। हसन चाहता या ना चाहता, राबिया का हाथ इस डोलती पतंग को पकड़ने के लिए बढ़ चुका था।